नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। फाइनली फ्रेंड्स, इंडिया में लेनोवो की तरफ से लेनोवो लीजन 5 का एक और वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि अमेजोन इंडिया पे लिस्टेड है, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। नाउ जो स्क्रीन सामने मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों, दैट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस। जिस मॉडल के बारे में मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ, वहां पे आप लोगों को AMD Ryzen 7 5800H प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। स्क्रीन आप लोगों को 165Hz वाली जो है देखने को मिल जाती है, जो कि सामने आप लोगों को देखने को मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो वहां पे दोस्तों आप लोगों को 512GB का NVMe SSD देखने को मिल जाता है, और यहां पे रैम आप लोगों की 16GB निकलकर आ जाती है। लेकिन इस लैपटॉप के बारे में दोस्तों डिस्कस करने का मेरा एक ही यहां पे सबसे बड़ा मोटो यही है, प्राइसिंग, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अगर आप देखें तो कॉम्पिटिटर्स से यहां पे लेनोवो ने इन लैपटॉप्स को लगभग 3 से 4 महीने लेट यहां पे लॉन्च किया हुआ है, और प्राइसिंग यहां पे काफी ज्यादा इनसेंसिटिव देखने को मिल जाती है। नाउ ऐसा नहीं है दोस्तों कि प्रीमियम एंड लैपटॉप्स जो है इंडिया में बिकते नहीं है, लेकिन प्रीमियम एंड लैपटॉप्स में आप लोगों को प्रीमियम एंड कंस्ट्रक्शन तो देखने को मिलता ही है, लेकिन साथ में दोस्तों जो हॉर्स पावर आप लोगों को देखने को मिलती है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सो इट्स बाय डिफॉल्ट कि अगर आप गेमिंग लैपटॉप्स में हाई एंड प्राइस पे कर रहे हैं तो आप लोगों को हाई एंड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बात करते हैं दोस्तों RTX 3050 ग्राफिक कार्ड की, तो अगर आप देखें 1650 ग्राफिक कार्ड आगे आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है बंद हो जाए, तो RTX 3050 सीरीज एक ऐसी सीरीज बसती है दोस्तों जो कि बेस लाइन में आती है, राइट। तो यहाँ पे जो भी गेमिंग लैपटॉप्स बिकेंगे वो हाईली कॉम्पिटिटिव उनकी प्राइसिंग होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बजट गेमर्स आते हैं विच वॉन्ट एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस एट एन लो प्राइस। नाउ ऑब्वियसली इस लैपटॉप में आप लोगों को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है दोस्तों काफी ज्यादा टॉप नॉच देखने को मिलती है, कूलिंग सॉल्यूशंस भी टॉप नॉच देखने को मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स समवेयर पीपल आर नॉट फुलिश इनफ टू पे ए प्राइस जिसके अंदर आप लोग कॉम्पिटिटर से जो है RTX 3060 वाले ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप ले सकते हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। Anyway friends, if you are new to my channel, then definitely consider subscribing to my channel. मैं ऐसे ही content आप लोगों के लिए लाते रहता हूं. And friends, कुछ budget laptops के link मैंने आप लोगों को description box में दे दी है, आप वहां पे जाके भी उन्हें जरूर checkout कर सकते हैं। RTX 3050 graphic card में दोस्तों अगर आप budget and laptop की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों जो price point यहां पे put up किया गया है वहां पे आप लोगों को RTX 3060 वाले भी graphic card देखने को मिल जाते हैं competitors की तरफ से। RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड अगर दोस्तों इस पूरे सिनारियो में देखें तो मैं आप लोगों को एक अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलिए कि आपके पास कोई ट्रक है और उसके अंदर जो है आपने टायर्स जो है यहां पे अपने बाइक के लगाए हुए हैं, विल इट बी फिजिबल टू रन? नो, वैसा नहीं होगा। तो वैसा ही दोस्तों RTX 3050 ग्राफिक कार्ड जो है यहां पे पूरा हार्नेस नहीं कर पाएगा इतनी अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन को और इतने अच्छे प्रोसेसर की पावर को। सो व्हाट्स नेक्स्ट? तो दोस्तों कंपटीशन में अगर टिकना है तो इन लोगों को प्राइस पॉइंट जो है अपना ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों RTX 3050 वाले जो भी ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप थे इंडिया में जब 3-4 महीने पहले आए थे, और अब इनकी प्राइसिंग जो है मैं कहूंगा अगर 90,000 रुपीज रहती है तो लगभग 8 से 9 हज़ार रुपीज तक जो है आप लोगों को प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्राइस पॉइंट इन लोगों ने काफी ज्यादा रखा हुआ है, तो इन लोगों को जरूरत है लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए का प्राइस पॉइंट जो है ये लोग ड्रॉप करें, विच आई थिंक इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, स्पेशली फॉर ए कंपनी लाइक लेनोवो। बाय द टाइम दे डू इट, दूसरी जो कंपनीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी दोस्तों जो कि अपना लैपटॉप ऑलरेडी 3 से 4 महीने पहले लैपटॉप यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं, उनकी प्राइसिंग भी आप लोगों को सिग्निफिकेंटली कम होते हुए देखने को मिल जाएगी। आपका क्या मानना है दोस्तों इस लैपटॉप मॉडल के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।